ईद मिलाद नबी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स रोशनी का त्यौहार और सभी चाहते हम सही माने में क्या है ये भूल गए। हाँ लाइट को हाथ लगाना है इतना याद रहेगा, एक दिवाली को और ईद मिलाद नबी। मगर जो कुछ भी है लोग जुड़ते हैं वही बड़ी बात, और जहाँ 100, 200, 500 जुड़ करके अगर 5-10 बार बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा फायदा है, पैसा वसूल। आज का हाल तो वो है, एक उस तरफ जहाँ जमात के सदर बैठने की जगह थी, शायद प्रोग्राम लंबा चला तो उन्हें जाना पड़ा, जरूरी काम के होते हैं। मगर आप में से कोई छोटे छोटे पैगाम पहुंचा दीजिए। आज के हालात एक बहुत ही अलग किस्म का नैरेटिव चला रही है सरकार, और उन्होंने देखा है कि जितना बुरा भला मुसलमान को कहते हैं उतना उनको सियासी फायदा होता है और हो रहा है, और हम ऐसे जागीर में जाके फंस रहे हैं उनकी बातों में या इनकी बातों में। अब इनकी बातें और उनके बातों में जो फर्क है उसमें हम शिकार बन करके अपने आप को सरेंडर करें, हमने अपनी खुद की आइडेंटिटी खो दी। हम सही क्या है बताना नहीं चाहते या बताने के काबिल नहीं है कि बताना नहीं आता है, हम नहीं जानते। हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो गैर कौम के लोग समझते हैं कि हम अकबर बादशाह की तारीफ कर रहे हैं। हाँ यही क्योंकि उसको समझ नहीं, उसको हमने कोशिश नहीं की समझाने की, जबकि आका ने फरमाया था कि जाओ दावत करो, आपका पहला फर्ज वही है, इन्वाइट देम, ब्रिंग देम, मेक देम फिट एंड टीच देम एंड शो देम, मतलब उन्हें बुलाइए, दिखाइए, सिखाइए और समझाइए कि हम क्या हैं, हमारा मजहब क्या है, इसका मतलब क्या है। वो हम सब भूल गए, हम खुद खुतबे के बाद बयान के बाद बाहर खड़े रहते आखिरी सिगरेट के दो लास्ट के क्या कहते हैं उसको कश, लास्ट के दो कश लेके फिर जल्दी जल्दी में वजू करने जाते हैं, आप भी वजू वाले को थोड़ा मेहना देते हैं, एक इधर हाथ एक इधर हाथ, ये स्टाइल है, कश के वजू करता है क्या मुसलमान माशा। मगर एक हसारत एक मजाक का हम सब्जेक्ट बनते हैं दुनिया में, ये हमारी गलती से, उनको फायदा लेने आता है, हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन हमने यह नहीं समझाया है कि मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब आज पिछले 50-60 साल से नीति ही करते आ रहे हैं, अच्छाई की तरफ ले जाने की लोगों की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोई गैरों से दुश्मनी नहीं है, ना तो उनके मदद से दुश्मनी है, ना हम उनके हैं ना वो हमारे हैं, ये बात नहीं। उनका मजहब हम नहीं फॉलो कर सकते, हमारा मजहब वो फॉलो नहीं कर सकते, इतनी बात पे हम एग्रीड हैं, और ये बात छोड़ के दूसरी बात हम करने को तैयार हैं। कल मैंने यही कहा कर्नाटक चौक पे जहाँ बात हुई तो हमने यही कहा कि मदरसों के बारे में जो जो बातें चली है हम उन्हें दावत देके बुलाते क्यों नहीं कि वे आइए, ये मदरसा है, रहिए 2-3 दिन हमारे कक्ष पे, हमारे साथ रहिए, देखिए हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, क्या हालात से आए हैं और इनकी क्या जरूरत है, इन्हें ये पढ़ाने की क्या जरूरत है। यही जरूरत है कि हम पे फर्ज है 5 वक्त नमाज पढ़ने के, जमात के साथ इमाम साहब के पीछे लोगों से कंधा कंधा लगा करके, तो नमाज पढ़ाने वाले चलाने पढ़ाने वाले भी तो हमें चाहिए। बेलगाम शहर में चाहे 200 मसाजिद है, बांकी साहब की जरूरत है, इमाम साहब की जरूरत है, एक्स्ट्रा एक स्टैंड बाय भी चाहिए, तो करीब करीब 600 लोगों की जरूरत पड़ती है आपको, और ये जितने भी यहाँ बैठे
इतनी बात हम नहीं समझा पा रहे, इतनी सी छोटी सी बात हम वो कौम को नहीं समझा पा रहे जिनके साथ में हम पिछले 2000 साल से रह रहे हैं। हम 2000 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ में बढ़ोतर रहे, मगर ये बात हम नहीं समझा पा रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हम कि भाई ये हम कर रहे हैं, आप आके देखिए तो सही, और फिर आप जाके अगर हम गलत है तो बता दीजिए कि हम गलत हैं, मगर हम अगर सही है तो उनको जाके समझाइए आपके भाइयों को कि वो भी आके देखे और हमें हम पे छोटे इल्जाम ना लगाए, हमारे बच्चों को खौफ में ना रखें, उनकी तरक्की जरूरी है, उन्हें सुनना सीखना पढ़ना आराम से रहना बड़े होना बहुत जरूरी है, और ये जिम्मेदारी कौम के जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो अपने आप को जमातों के बड़े कैसे हैं और जिनको हम मानते भी हैं, जो मौलवी है, जो मुतवली है, जो उनकी बॉडी है, जो यंग कमेटी है, आपको एक ही मकसद रखना है अब हिंदुस्तान में कि ये आप साबित करने का काम आपका है कि आप और हम सही हैं, कि वो गलत थे, गलत फहमी में थे, सही तो ये है, आप आइए देखिए, उसका अकाजात जो भी होगा कुछ होता नहीं है, मेहमान नवाजी में मुसलमान कभी पीछे हटा नहीं है, सबसे ज़्यादा सकत वाला मुसलमान ही है, चाहे ऑर्डरी बच्चा हो या बड़ा हो, ये हम भी मानते हैं आप भी जानते हैं, तो फिर क्यों पीछे है? क्या हम मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब की बात नहीं मान रहे? क्या अगर वो पहल करते तो हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना कर रहे हैं? क्या अगर वो लोगों को मिलाने की और घरों को समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या उनके घर के ऊपर हमने पथराव किया है क्या? मुझे याद है, लोग भूल गए हो गए शायद, वही एरिया के लोग भूल गए हो, मुझे याद है कि हमने ये किया था, हमने ये गलती की थी, अभी माफी भी नहीं मांगी है। किसी को बुरा लगता है, दो चार लोगों को कुछ गिला पिला के या पत्थर मार के बोल देता है, पूरे बंगाल शहर का अमन और हमारे बड़ों की इज्जत वो कम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामयाब हो जाता है, हमारे में डिविजन डालता है, हमारे में खून पैदा करता है, और सबसे ज्यादा मानने वाले, जानने वाले, लड़ने वाले हम हैं, लेकिन अकीदा हमारा कहीं डगमगाया है, हम जो मानते हैं उसको मान के चलते नहीं है, सिर्फ मानते हैं, अगर दूसरा कुछ कहता है तो झगड़ते हैं, झगड़ते हैं, झगड़ा भी पूरा नहीं करते, उसको भी सिर्फ छेड़ छाड़ के छोड़ देते हैं, बाकी घर में जाके छूट जाते हैं, ना यार ये सही काम है हमारा ना वो सही काम है, तो अब जिम्मेदारी किसकी है, क्या करना है? ये जो तरफ मेरी बेटियां बैठी है, आज मैं देख रहा हूँ ये MBA, MSc, MA, LLB सब हो रहा है यहाँ पे, इस तरफ मैं देख रहा हूँ तो यहाँ 9th फेल, 10th पास, 10th फेल, PUC फेल, ये चला है, ऐसी होनहार बच्चियों को ऐसों के साथ निकाह नहीं करना है, कल का ये आपका कोई बड़ा प्रॉब्लम 5 साल के बाद में आगे खड़ा होगा, आप अपने बेटों को पढ़ाइए या तो फिर सिटी बड़ी बहुओं की उम्मीद मत कीजिए, ये मसला आने वाले दिनों में आप देखेंगे, कहाँ से ढूंढ के काटता है, तो आइए अब हर इंस्टीट्यूशन में जहाँ जा रहे हैं, आज हमारे नंबर तो आते ही, हम वो नहीं दे पा रहे हमारे बच्चों को, मौलाना सलीम साहब ने कहा कि स्ट्रेटजी क्या थी सरकार द्वारा, मस्जिदों में क्या क्या काम चलता था, आज के मुतवल्ली कहते मस्जिद में किताब पढ़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, और बना हिस्ट्री पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मस्जिद में कैसे रह सकता है, हॉस्टल है, हॉस्टल में नहीं रह सकता, ये पहले आप करीब दादा मस्जिद में स्कूल स्टूडेंट रहा करते थे धोनी साहब, बराबर है ना, आज वहाँ स्टूडेंट्स नहीं रहते, तब लॉ के और आर्ट्स के ग्रेजुएशन के बच्चे वहाँ रहा करते थे, मुझे याद है मरहूम नूरुद्दीन शेख साहब वहाँ जाया करते थे हमेशा, वो बच्चों को मिला करते थे, उनका हाथ पूछा करते थे, उतना ही काफी था बाहर से आके पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा कोई देखने वाला इधर है वो कभी पैसे नहीं मांगे बेचारे बच्चों को, जरूरत नहीं थी, शायद अच्छे करते थे, खाते पीते थे, आते थे रहते थे, लेकिन एक बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों
उन्हें समझाएं कि हम उनके साथ में हैं, आप पढ़ते रहो, बाकी सब हम संभालेंगे, संभालने के लिए कुछ रहता ही नहीं, वो अपने आप पार पड़ जाते हैं, जान करके कि हम उनके पीछे और उनके साथ में हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, आलिमों के सामने शराबी कबाबी नशे वाले पैसे वालों के पीछे हम उनकी पूछा कर रहे हैं। इमाम साहब खड़े हैं तो कुर्सी उनको दे रहे हैं, बैठिए साहब चाय पियो तो बिस्किट भी डुबा के खाओ पड़ा उसमें, हाँ क्यों, अरे वो ईगे मिला तो दो लंच टाइम देता है डाइट की, तो बड़ा आदमी है डाइट, बड़े बड़े पोस्टर भी लगाता है, यहीं पे आया जवाब कौम है। और जब तक हम और आप, हम भी शामिल हैं, जब तक हम और आप अब ब्रेक लगा करके थोड़ी देर रुकें, थोड़ी देर रुकें, नहीं सोचते कि आगे क्या करना है, हमारे मोहल्लों में डॉक्टर्स की सर्जन की लाइन अगर हमको लगानी है तो हमें उनको पढ़ाना है, पढ़ने का मौका देना है, पढ़ने की जगह देना है, पढ़ने का माहौल देना है और उसको एनकरेज भी करना है कि भाई अच्छा काम है आप करो करो, ये नहीं कहना कि अभी पढ़ लिख के कौन बड़ा हुआ है, कौन बड़ा किया है, नवी दसवीं पास कर गाड़ी लेना है, कल के लिए बेचना है तुझे, इतनी बात चली आ रही है। ये बात जब तक हम नहीं रोकते तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आप ग्राफ अगर देखेंगे तो डॉक्टर जिया हाफिज 25-40 साल पुराने डॉक्टर है, नए डॉक्टर अभी आने नहीं है, उनके उनके वालिद के और उनके दादा की खिदमत का अभी तक हम शुक्रिया अदा नहीं कर सके हैं। मुफ्ती साहब आप तो उनके पड़ोसी रह चुके हैं, आप 50-60-70 साल से देख चुके होंगे, हम इतने गए गुजरे हो गए कि ऐसी बड़ी हस्तियों को, ऐसे खानदान के लोगों को जिनके रग रग में खिदमत का जज्बा है, जो विरासत में खिदमत लेके आए हैं, उनकी भी हम कुछ कोशिश नहीं करते बुला करके, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कौम को बहुत संभाला है, कभी पैसों के लिए नहीं किया, दवा भी दी और साथ में दुआ भी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो चार डॉक्टर डॉक्टर अभी और तैयार हो जाएंगे कि भाई ऐसे काम में इज्जत मिलती है, बड़े बड़ मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, जब रिकग्नाइज नहीं करते तो हीरो कहाँ से मिलेंगे आप, और मिलना बंद हो जाए। मैं राजू शेख साहब का, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी पूरी टीम का, चाहे उनके सेक्रेटरी हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मेंबर्स हो, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, इनका सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके उनके लीडरशिप का, कि आपने अच्छे काम में कभी किसी को ना नहीं कहा, अच्छे काम करने के किसी की दावत का इंतजार भी नहीं किया, आपने कभी गुरपुशी मांगी ना कभी शॉर्ट करने का आपको शौक रहा, आपने अपने ही जेब में हाथ डाल करके जो कर सकते थे वो किया, बाजू की जेब में हाथ डालने की कोई कोशिश नहीं, जो अल्लाह वाले थे वो दे गए, देने वाले दिए, लेने वाले दे के चले गए, बहुत कम लोगों को मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम। एक आपको बात बताता हूँ, मैं बेलगाम शहर में, कौन नहीं जानता कि रमजान के महीने में पूरा बाजार सस्ता है, दरबार नदी सस्ती है, लोगों की तिजारत में एक एक साल भर की कमाई एक महीने में हमारे भाई और बहनों के बच्चे कमा के ले जाते हैं, छोटे 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 साइड में लगा करते हैं, वो कमाई इसके 10-20 लाख रुपया मेरा छोटा भाई खर्चा करता है पूरी लाइटिंग करके, कि बाहर गाँव से लोग आए और रमजान यात्रा करके गैर के भी लोग आके वहाँ खा करके व्यापार करके जाते, तो 10-20 लाख रुपया खर्चा करके जेब का अगर 10-20 करोड़ रुपया मेरे भाई कमाते हैं तो बड़ा फायदे का काम है, ये हम सोच के उन्हें इजाजत देते हैं और वो करते रहते, पूछते भी नहीं, इजाजत के इंतजार भी करते हैं। अब ऐसे लोगों की तारीफ तो करना ही पड़ेगा, अगर कोई गुस्सा नहीं करता तो मुझे आज मजबूरन करना पड़ रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं बलदार से, अल्फला जो कपूर साहब चलाते हैं उनकी सदारत में चलती है, व्यापारियों के तंजीम है, एक सोसाइटी है जो गरीब बच्चों के एजुकेशन में, फर्दर एजुकेशन में काम करते रहते करते रहते हैं, और कितने पास हो गए, कितने कितनों को स्कॉलरशिप मिले, कितने को एडमिशन मिले,
साहब हम अगली बार देखें, क्योंकि आज तो बात निकली तो इनको देखा तो बात निकलती। यहाँ के बच्चे बाले कुंद्रे के मदरसे के, मुफ्ती मंजूर साहब के मदरसे के, मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अब्बा के जमाने से, हमारी उन हमारे नज़र में उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है। और उनकी इज्जत की बरकत भी हमारे घरों में है, उनकी दुआओं की बरकत। तो ये लोगों की तारीफ करना किसी को कम दिखाना नहीं है, ये लोगों की तारीफ करके दूसरों को सिखाना है कि आप भी कर सकते हो, आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो और बहुत खूब कर सकते हैं। एक इंसान करता ज्यादा है तो 10 इंसान 10 लोग 20 लोग मिल करके तो बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे अफसोस होता है कि बेलगाम जिले में हमारा कोई सज्जन डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन करने वाला, हार्ट हो, किडनी हो। इतनी बड़ी बस्ती है हमारी, इतने समझदार लोग हैं, इतनी होनहार बच्चियाँ आज पढ़ने की कोशिश में है, लड़के लड़के होते हैं, इतने मस्ती करते हैं। हमने भी मस्ती की, हम भी पाले करते थे, हम भी मस्ती करते थे, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही पैदा हो गए अपने वालों के साथ। अपने अपने वालों पे जो जो होता है करते आए हैं, लेकिन हमारे बड़े हमको लगाम रख के बराबर ट्रैक्टर लेके चलते थे, थोड़ी बहुत मस्ती भी करने देते थे। अब आप अगर छोड़ देंगे कि भाई ठीक है तुमको जो चल रहा है चलो, रात को 2 बजे घर आना है, 2 बजे आओ, 12 बजे आना है, 12 बजे आओ, मस्जिद के मुतवली साहब है, देख रहे हैं, सबको हाथ लगा रहे हैं, अभी क्या करूँ होगा, वो अब्दुल रहमान का बेटा है, अब्दुल रहमान मेरा दोस्त है, बोलूँगा तो बुरा मान लेगा, नहीं बोलूँगा तो बिगड़ जाएगा, ये सोचते सोचते 10 साल निकल जाते हैं, फिर मुतवली के पीछे लोग पड़ जाते हैं, आपने हिसाब नहीं लिया मस्जिद का, और क्या हिसाब दिखाई नहीं है तो क्या करेगा, अल्लाह के नाम पे काम कर रहा है। तो ये सभी बातें, इतना बड़ा बोझ कम्युनिटी पे हो गया है, हमने खुद बनाया, दूसरों ने नहीं ढोया है हमारे सर पे। काम करता रहेगा तो कमाएगा, खाली बैठेगा तो घर को खा लेगा, आपने घर गिरवी रख देगा, घर बेच देगा, माँ बाप के गहने चोरी करेगा वो भी बेच देगा। तो ये मामूली प्रॉब्लम नहीं है हमारा प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमारे जितने मसाजिद के जिम्मेदार हैं, अच्छा काम भी वाले हैं, मगर दो कदम आगे और जब जरूरत है तो 2 कदम पीछे। मैं बात कर रहा था मौलाना करीम साहब से कुछ दिनों पहले, साहब इतने बड़े बड़े अगर सलामत हुए, मूसा अलैहिस्सलाम तो दरिया को ही खुला कर दिए थे ऐसे अपने फॉलोअर्स को फॉलो करने के लिए, तो सहाबा को इतनी शक्ति बुलाने की क्या जरूरत थी। अब उलमा है, हमारे पे हक भी है, आपकी समझ थोड़ी कम है, वो हम जैसे लोगों को बेवकूफों को सिखाने के लिए वो दल उठाए खुद जान कुछ, नहीं तो उनके लिए तो सिर्फ इशारा काफी था, वो मक्का से मदीना रोज 15-15 रुपया का आया जाना कर सकते थे, चढ़ने की कोई जरूरत थी नहीं, छुपने की भी कोई जरूरत नहीं, हाँ फना करना तो ऐसे फना कर दे सकते थे किसी को, मगर हमें भी तो सिखाना था। आज 1790 क्या हिजरी है, 1490 करीब करीब 1500 साल, फिर भी हम ऊंचाई पे जा करके फिर जवाब पे आ गए। हमारी कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, 1500 साल की अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप जानना चाहिए कि कोई मुगल बादशाह आके इस्लाम फैलाया नहीं है, हुकूमत यहाँ पे तो इनके जैसे लोग आके सूफिज्म है बयान करने वाले हैं, तर्जुमा करने वाले हैं, सीधा सही रास्ता दिखाने वाले हैं, भाईचारा दिखाने वाले हैं, प्यार दिखाने वाले हैं, अमन शांति समझाने वाले लोग, इन्होंने इस्लाम फैलाया है, ये भी हम जवाब दे नहीं सकते। वो बाबर बाबर कहते तो हम बार बार कहते हैं राजा बाजार कहते हैं, जरूरत नहीं है, उन लोगों में कौन है, तब तो राजा बादशाह हर एक का लूट मार वाला ही था, और कौन था, जितने बादशाह हुए हैं इंक्लूडिंग जो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए सब लूट मार के लिए आए थे ना, तो उनका काम ही होता, वो कोई मदद के नहीं थे, वो मदद फैलाने के लिए नहीं आए थे, वो बस टाइम पास, जैसे आज मुसलमानों को गाली देकर के हो
चारों तरफ है, ये लोग आके ऐसे लोग आके इस्लाम फैला के गए। ये हिस्ट्री जानना आप मौलाना शरीफ साहब है, मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब है, हमारे मुफ्ती मंजूर साहब है, एक इस्लामिक हिस्ट्री की लाइब्रेरी खोली है बेलगाम शहर में, जहाँ आके हमारे मौलाना बच्चे पढ़े और हफ्ते में 15 दिन में महीने में एक बार इसके ऊपर एक वर्कशॉप हो, डायलॉग हो, लेक्चर हो कि ये सदी में ये हुआ था, ये ट्रू हिस्ट्री है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे। और ये जानने का इंतजाम, बताने का इंतजाम भी आपके और हमारे जिम्मे है। भाइयों, कभी कभी इतना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, इतना हम गुस्से में और दुख में बह जाते हैं कि हम गुस्से में है कि रंजिश है कि नाराज है कि दुखी है कि किसी को मारना है कि खुद रोना है, ये जब समझ में नहीं आता है और मिक्स हो जाते हैं आपसी दुख, तो फिर एक रास्ता होता है देखने का। वो मेरा काबे शरीफ के ताबेई से बात है, अब इनके ऊपर बोझ पूरा हम डालने की कोशिश करते हैं, सवाल भी इनसे जवाब भी इनसे ही मांगते हैं, इनकी लिमिटेशंस है मगर जितना हो सके उतना यहाँ तक तो हमें लाए हैं। अब उनके साथ में बैठ करके हमें क्या करना है, अपनों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने खुद के आखिरत के लिए, अपने मजहब के नाम के लिए कोई मजाल है किसी की के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा नहीं करे, हर उनका तरह लोगों का पोस्टर लगा के सर पे बिठाए, ऐसे थे क्या मुसलमान 1400 साल पहले, क्या ऐसे थे उलमा जाके उनके दावत में खुद शामिल होते थे, इस हद तक गिर गए हैं किस लिए, 500 रुपये मिलेंगे करके या 5 लाख का खाना मिलेगा, हमें जरूरत नहीं, हम भूखे मरने को तैयार हैं, हम आपके लिए मरने को तैयार हैं, आपको सांस में लेकर के सबके लिए मरने के लिए भी हम ले जाएंगे आपको, ये हमारी ताकत है और हमें यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे, मगर छोटी 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 बातों में ये जो चिल्लर लोग हैं इनकी पीछा है छोड़ करके, अच्छे लोग बहुत हैं कौम में इनके साथ बैठने की आदत डाली है, क्या होटल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, साइड में चटाई बिछा के बैठो तो भी आपके दिमाग में और आपकी सांस में थोड़ी इजाफा होगा। हमें बचपन में इजाजत नहीं थी, बचपन का मतलब कॉलेज खत्म होने तक ना राजू सेठ को ना मुझे होटल में जाके चाय पीने की इजाजत नहीं थी सर, हम गलती से जब चोरी से जाते थे हम भी तो नटखट थे थोड़े है? तो जाके छुप के चाय पिए तो हम घर पहुंचने से पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी, तब टेलीफोन भी नहीं था कुछ भी लिखा, लेकिन हाँ आपका बेटा सुवर्ण मंदिर में चाय पी रहा था और अमोड़े आगे आगे खा रहा था, बहुत बड़ा गुना मनाया जाता है। अभी अब छोड़ो क्या बात करें, अब ये हाल है, अब सुधारना है। सभी भाई आपने तो ठेका ले रखा है कत्ती वेश का, अशरफ भाई को बाशीबान से झगड़ा करके झगड़ा करने से बाशीबान, अब अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, अच्छे अच्छे लोग शायद थक गए हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी है, आपका वक्त आया है, थोड़ा बच्चों को, ये सब आपके भतीजे हैं, सब आपके भांजे हैं, कान पकड़ने का आपको हक है, अगर प्यार करना आपका फर्ज है तो कान पकड़ना आपको हक है, और आज आपको खुला बोल रहे हैं, अगर प्यार नहीं करते तो आपको हक नहीं है, अगर प्यार करते हो तो आपको हक है कि उनका कान पकड़ के उनको सीधा कीजिए, उनके माँ बाप के सामने खड़ा कीजिए, उनके माँ बाप को भी समझाइए कि गलियों में हमारे बच्चे रात को 9:30 के बाद में न आए, पुलिस आके माँ बहन की गाली दे दे के लाठी का आवाज करके वड़क होगी करके आपके सामने हो रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, गालियां तो उनके माँ को दे रहे हैं ना, वो अच्छी तरह से नहीं बोल रहे, तो ये अब चेंज करने का वक्त आया है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इंशाल्लाह ये साल हल कर लेंगे कि ईद मिलादुन नबी या रसूलुल्लाह, इनकी इनसे वादा करके कि अगले साल के अंदर हम में बदलाव दिखेगा, मोहल्लों में बदलाव दिखेगा, मस्जिदों के मैनेजमेंट में बदलाव, इंसानों का बदलाव नहीं सोच का बदलाव दिखेगा, और जैसे मौलाना शरीफ साहब ने इशारे दिखाए मस्जिद नबवी, हाँ वैसे मस्जिदें हम कायम करने की है, वो मस्जिदों को भी कायम करने की कोशिश करेंगे।
इंशाल्लाह आप राजेश साहब और बाबूलाल और समीउल्लाह साहब कोशिश कर रहे थे कि मैं नूरानी मस्जिद में कुछ ऐसा ही कुछ हो, मालूम नहीं कहाँ पे उनको लगा था, लेकिन आप सीनियर्स बैठ के मसला मसाइल वाले बैठ के डिसाइड कीजिए, अगर ये सही है तो हुक्म कीजिए उनको, उनके साथ हम सब हैं, वो आपकी दवा अलहमदिल्ला है।